स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये एक एपी दी गई है, ठीक है। इसमें देखिए, जो 3 है वो इस एपी का पहला पद है, 8 दूसरा पद है, 13 जो है वो तीसरा पद है। तो मुझे ये बताना है कि जो 78 होगा वो इस एपी का कौन सा पद है। अब देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है ए बराबर ए, क्या दिया गया है, देखिए जो पहला पद होता है वो ए होता है, ठीक है। पहला पद है 3, तो यहाँ पर ए जो है 3 है, ठीक है। और डी यानी कि सार्वंतर, अब हम इसका निकालेंगे। सार्वंतर कैसे निकलता है, देखिए बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दीजिए, 8 में से माइनस कर दूंगी 3 को, 8 - 3 क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे जो डी है वो 5 है। अब क्वेश्चन में, आप देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद 78 है। मुझे नहीं पता कि कौन सा पद 78 है, तो मैं मान लूंगी कि जो एनवा पद है वो 78 है। मैंने माना कि दी गई एपी का एनवा पद 78 है, तो यानी कि ए एन बराबर है 78। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इस एपी का जो पहला पद है 3 है, तो यानी ए वन बराबर 3 होगा। फिर मैं कहूँ कि दूसरा पद 8 है, तो ए टू बराबर 8 होगा। तो इसी तरह यहाँ पर एनवा पद जो है 78 है, तो यानी ए एन बराबर होगा 78 के। देखिए, हमें पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी, ठीक है। तो ए एन किसके बराबर है, इसके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी ए एन है बराबर किसके, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन की जगह ये आ गए यहाँ पे, फिर बराबर 78, ये ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखिए ए क्या है यहाँ पे, 3 आ जाएगा, फिर प्लस एन माइनस एक डी हमने निकाला, कितना आया 5 बराबर 78, ठीक है। अब देखिए एन माइनस एक 5, ये मैं यही रहने दूंगी, प्लस का 3 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 78 माइनस 3। तो एन माइनस एक 5 बराबर 78 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 75, ठीक है। फिर देखिए n माइनस एक को मैं यही रहने दूंगी, 5 यहाँ गुणा में है, इस सारे के साथ 5 गुणा में है ना, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 75 के बटे में आ जाएगा 5। दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। और क्या आ गया, 5 * 25, तो यानी n माइनस एक आ गया बराबर 15, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो n यही रहेगा, माइनस का एक है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा, तो 15 + 1 बराबर क्या आया 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो यानी कि जो 16वां पद है वो 78 है। तो अतः दी गई एपी का 16वां पद 78 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, हमें यहाँ पर ये समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है। मुझे बताना है कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला पद है 7, दूसरा पद है 13, ठीक है, और तीसरा पद है 19। और इस श्रेणी का जो सबसे लास्ट वाला पद है वो 205 है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि ये कुल कितने पद हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें ए यानी कि पहला पद क्या दिया गया है, 7, तो ए बराबर हो गया 7। फिर सार्वंतर निकाल लीजिए डी, सार्वंतर कैसे निकलता है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लीजिए, 13 में से माइनस कर लेंगे 7, 13 में से 7 माइनस करा के आ गया 6। अब देखिए, मुझे नहीं पता है श्रेणी में कितने पद है, तो मैं मान लूंगी कि दी गई श्रेणी में n पद है, तो ये जो लास्ट वाला पद है ये nवां पद हुआ, तो nवां पद क्या है 205। तो यानी ए एन बराबर 205, इस तरह से ही लिखूंगी ना। अगर मैं कहती हूँ कि इस श्रेणी में जो दूसरा पद है वो 13 है, तो ए टू बराबर 13 हुआ, ठीक है। तो एनवा पद 205 है, तो यानी ए एन बराबर 205, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि ए एन किसके बराबर होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह ये लिख लिया, फिर बराबर 205, ये ऐसे ही लिखा। फिर देखिए ए क्या है यहाँ पर, 7, फिर प्लस एन माइनस एक ऐसे लिखा, डी है 6, फिर बराबर 205। अब इसे मैं यही रहने दूंगी, एन माइनस एक इंटू 6, ठीक है। अब देखिए 7 जो है यहाँ प्लस का है, इसे बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगी तो माइनस का हो जाएगा, तो 205 माइनस 7, ठीक है। फिर एन माइनस एक गुणा 6, ये ऐसे लिखा। अब 205 में से 7 माइनस करूंगी कितना आएगा, 198 आएगा, ठीक है। अब देखिए,
अब देखिए n माइनस एक गुणा छ है, ठीक है, अब मैं n माइनस एक को यही रहने दूंगी, छ जो है इसके साथ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 198 के बटे में आ जाएगा छ। अब देखिए दोनों छ से कट रहे हैं, छ एकम छ, छतिये 18, फिर छतिये 18, तो n माइनस एक क्या आ गया 33। फिर n की वैल्यू निकालनी है तो n यही रहेगा, माइनस का एक है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा, तो 33 प्लस एक कितना आ गया 34। ठीक है, अब मैंने क्या माना था कि दी गई श्रेणी में n पद हैं, n की वैल्यू 34 आई थी, यानी जो श्रेणी दी गई है उसमें 34 पद हैं, तो अतः दी गई श्रेणी में 34 पद हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए, हमें ये समांतर श्रेणी दी गई है, बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए यहाँ पर ए हमें क्या दिया गया है, ए क्या होता है जो पहला वाला पद होता है, पहला पद क्या है 18, तो यहाँ ए बराबर है 18। ठीक है, अब हम डी निकालेंगे, डी यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर कैसे निकलता है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे, यह है बाद वाला पद और यह है पहला वाला पद, तो यानी 15 सही 1/2 में से मैं माइनस कर दूंगी 18 को। ठीक है, अब देखिए मिश्रित भिन्न में ऐसे ठीक से लिखेंगे, क्या करेंगे 2 और 15 को गुणा करेंगे, कितना आया 15 दूनी 30, 30 प्लस 1 कितना आ गया 31/2 और ये -18 ऐसे लिखा। अब देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं आने, उसके बटे में एक होता है, तो यानी 18 के बटे में 1 है, 2 और 1 का मैं ऐसे निकालूंगी तो क्या आएगा 2, 2 को इस 2 से भाग करा कितने पे कटा 2 एकम 2, 1 पर 1 को 31 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 31 ही आएगा, फिर माइनस का साइन, 2 को 1 से भाग करेंगे कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, 2 को 18 से गुणा कर देंगे, 2 और 18 को गुणा करा कितना आया 18 दूनी 36। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस कर लेंगे पर साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 36 में से 31 माइनस करा कितना आया 5, 36 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन, तो 5 के साथ माइनस का साइन और बटे में क्या आ गया 2, तो यानी डी क्या आया -5/2। अब देखिए मुझे बताना है कि श्रेणी में कितने पद हैं, मुझे नहीं पता कि श्रेणी में कितने पद हैं, तो मैं मान लूंगी कि दी गई श्रेणी में एन पद हैं। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट वाला पद -47 है, ठीक है, मैंने माना है श्रेणी में एन पद है, तो यानी जो एनवा पद हुआ -47 है, तो यानी तब एनवा पद -47 है। ठीक है, अब देखिए एनवा पद -47, तो मैं से कैसे लिख लूंगी ए एन बराबर -47, इस तरह से लिखूंगी। अब मुझे पता है ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 इंटू डी, यानी गुणा में डी है, फिर बराबर -47 ऐसे लिखा। ए क्या है 18 प्लस एन -1, डी हमने अभी निकाला कितना आया -5/2, डी आया है -5/2, फिर बराबर -47। अब देखिए 18 यहाँ पे प्लस का है, मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ ले दूंगी तो माइनस का हो जाएगा, तो ये सारा तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूंगी, एन -1 ब्रैकेट में क्या है -5/2, फिर बराबर -47 और ये 18 इधर का आया, इधर बराबर की तरह आया तो ये -18 हो गया। ठीक है, फिर देखिए एन -1 ब्रैकेट में -5/2 ऐसे लिखा, दोनों नंबर माइनस में है तो यानी प्लस करेंगे और साइन माइनस का आएगा, तो 47 प्लस 18 कितना हो गया 65 और साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखिए एन -1 को मैं यही रहने दूंगी, अब -5/2 है, ठीक है, इससे मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो देखिए क्या होगा, जो ये 2 है ये ऊपर ऋणा में आ जाएगा और ये जो -5 है नीचे बटे में आ जाएगा, तो -65, 2 यहाँ ऊपर गुणा में आ गया और बटे में क्या आ जाएगा ये -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 गुणा 2 कितना आ गया 26, तो n -1 = 26। देखिए यहाँ से ना ब्रैकेट्स हटा लीजिएगा, ठीक है, n -1 = 26 आ गया, m यही रहेगा, माइनस का एक है बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, तो 26 + 1 कितना आ गया 27, तो n की वैल्यू क्या आई 27। मैंने माना था कि दी गई श्रेणी में n पद है, तो n की वैल्यू 27 आई, तो यानी इस दी गई श्रेणी में 27 पद है और जो 27वां पद होगा ना वो -47 होगा, तो अतः दी गई श्रेणी में 27 पद हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।